अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने अपने दरसी किताब का जो सबक है द हाउस बिल्डर, उसके वार्मिंग अप और चिट चैट के क्वेश्चंस को देखा था और हल किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम उस सबक के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, के नीचे दिए गए अल्फाज में आपको स्टोरी में से या इस कहानी में से नाउन फॉर्म जो उनके नाम की शक्लें आई है तो वो देखना है और उसे ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। पहला जो वर्ड है वो है डेडिकेट, तो उसका जो हमें नाउन फॉर्म हमें सबक में दिखाई दिया वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब लगन। दूसरा जो वर्ड है मेजर, मेजर मतलब पैमाइश करना, और उसका जो नाउन फॉर्म है वो है मेजरमेंट मतलब पैमाइश। तीसरा जो वर्ड है वो है डिसाइड मतलब फैसला लेना, और उसका नाउन फॉर्म है डिसीजन मतलब फैसला। चौथा जो वर्ड है वो है परफेक्ट मतलब कोई चीज़ मुकम्मल हो, परफेक्शन उसका नाउन फॉर्म है मतलब कोई चीज़ क्यों तकमील तक पहुंचाना। पांचवा जो वर्ड है वो है ओन, तो ओन का हमको जो नाउन फॉर्म दिखाई दिया वो है ओनरशिप। जो सिक्स्थ वर्ड है वो है गिव, उसका नाउन फॉर्म है गिफ्ट। गिव मतलब देना और गिफ्ट मतलब वो चीज़ जो दी जाए। सातवा जो वर्ड है वो है रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, और उसका जो नाउन फॉर्म है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। आठवां जो वर्ड है वो है परसिस्ट, उसका जो नाउन फॉर्म है वो है परसिस्टेंस। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश वर्कशॉप का, उसको देखिए, उसमें हिदायत दी जा रही है, चूज़ द प्रॉपर फ्रेज एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज मीनिंगफुली, के नीचे जो आपको अधूरे जुमले दिए गए हैं या एक्सप्रेशन दिए गए, फ्रेसेस दिए गए, तो आपको कौसाइन में से सही लफ्ज़ या फ्रेजेस को चुनकर आपको नीचे के जुमले मुकम्मल करना है। पहला जुमला है शी डज़ हर जॉब, तो हम उसको फिल करेंगे विथ फुल डेडिकेशन से, कि वो अपना काम करती है पूरी लगन के साथ में। दूसरा जो सेंटेंस है उसे हम मेकअप वंस माइंड से कंप्लीट करेंगे। मेकअप वंस माइंड मतलब जहन बनाना, जहन तैयार कर लेना, तो उसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि वन शुड मेकअप वंस माइंड टू हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड, के हर एक शख्स को अपना जहन इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए कि वो दूसरी की मदद करेगा जब भी ज़रूरत होगी। तीसरा जो सेंटेंस है उसे हम टू हैंड ओवर से फिल करेंगे। टू हैंड ओवर मतलब कोई चीज़ सौंपना, किसी को हवाले करना। इस सेंटेंस को हम देखेंगे, एज मिस्टर जाधव वॉज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई ही हैड टू हैंड ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज असिस्टेंट, के क्योंकि मिस्टर जाधव चेन्नई में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं लिहाजा उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को उनको असिस्टेंट को सौंपना पड़ रहा है। चौथा जो सेंटेंस है उसे हम टू मीट द नीड्स ऑफ से फिल करेंगे। पूरा सेंटेंस इस तरह बनेगा, द लेबरर्स इनकम वाज नॉट सफिशियंट टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। मीट द नीड मतलब होता है कि ज़रूरत को पूरा करना, के मज़दूर की इनकम या उसकी आमदनी इतनी काफ़ी नहीं थी कि वो उसके फैमिली की ज़रूरियात को पूरा कर सके। पांचवा जो सेंटेंस है उसे हम टू सेंड फॉर से फिल करेंगे। टू सेंड फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए या किसी का तलब करना, किसी को मांग करना या किसी को बुला भेजना। तो पांचवा जो सेंटेंस है हम इस तरह पढ़ेंगे कि बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट इन द वायरिंग दे विल हैव टू सेंड फॉर एन इलेक्ट्रिशियन, के वायरिंग में किसी ख़राबी के वजह से उन्हें एक इलेक्ट्रिशियन को तलब करना पड़ा, बुलाना पड़ा। छठा जो सेंटेंस है उसे हम टू नो अवेल से फिल करेंगे। टू नो अवेल मतलब कोई फ़ायदा नहीं। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, मदर ट्राइड हार्ड टू चेंज हर सन्स हैबिट बट टू नो अवेल,
कि माँ ने पूरी कोशिश की कि अपने बच्चे की आदतों को सुधार दे, बदल दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सातवां जो सेंटेंस है उसे हम फिल करेंगे इन ग्रेट डिमांड से, मतलब एक बड़ी तलब थी। मैंगोज़ फ्रॉम रत्नागिरी आर ऑलवेज इन ग्रेट डिमांड, के जो रत्नागिरी के मैंगो होते हैं, आम होते हैं, तो वो हमेशा बहुत उनकी मांग होती है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए बताया, हिदायत दी जा रही है, रीड द स्टोरी एंड आंसर इन योर वर्ड्स, के कहानी को पढ़िए और अपने अल्फाजों में इस बात का जवाब दीजिए। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमको कहानी से ही उनके जवाब ढूंढना है। क्वेश्चन ए है, द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउस इज बिल्ड बाय द मेसन वुड बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड, वाई? मिस्त्री के ज़रिए बनाए गए नए घरों के जो मालिक होते थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, तो क्यों? आंसर है इसका, द मेसन वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग, जो मेसन था वो अपने तामीरी काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता था, एंड डू इट विद फुल डेडिकेशन, और वो बहुत लगन के साथ इसको किया करता था। ही मेड श्योर दैट ही यूज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ अ हाई क्वालिटी, और वो इस बात को यकीनी बनाता था कि वो कंस्ट्रक्शन या तामीरी काम में इस्तेमाल किए गए जितना भी मटेरियल हो वो हाई क्वालिटी हो। द मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल, डोरवेज, आर्चेज एट्सेट्रा वर परफेक्ट, और इस बात को यकीनी बनाता था कि दीवारों की पैमाइश, दरवाज़ों के रास्ते, जितने कमान या मेहराब बनाए जाते थे वो सब के सब परफेक्ट हो। ही गेव एन एक्सेलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू वट एवर ही बिल्ट, और साथ ही साथ आखिरी के जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होते थे या फिनिशिंग जो वर्क होता था उसके अंदर भी वो बहुत उम्दा और दिलचस्प तरीके से उसको, वो जिस चीज़ को भी करता था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। बी जो क्वेश्चन है वो है, द कॉन्ट्रैक्टर कंपनसेटेड फॉर द मेसन्स गुड वर्क, हाउ? के जो ठेकेदार था तो उसने मिस्त्री के अच्छे काम को किस तरह उसने उसका बदला दिया था, उसकी उजरत दी थी, तो उसका आंसर है, द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पनसेड द मेसन हैंडसमली विद अ वेरी गुड सैलरी, कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, तो उसने मेसन या मिस्त्री के एक अच्छी उजरत या अच्छी सैलरी देकर उसके बदला दिया था। ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशेंटली, वो अपने फैमिली की ज़रूरियात को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर पाता था विदाउट एनी स्कैर्सिटी, बगैर किसी कमी के। सी है, द मेसन मेड अ फर्म डिसीजन टू रिटायर व्हेन, के जो मिस्त्री था उसने मजबूत इरादा कर लिया था इस बात का कि वो रिटायर हो जाएगा, तो कब? तो आंसर इसका, द मेसन मेड अ फर्म डिसीजन टू रिटायर व्हेन बिकेम अ ग्रैंड फादर, के मेसन ने या मिस्त्री ने उस वक्त रिटायरमेंट का डिसीजन लिया, फैसला लिया, जब वो ग्रैंड फादर बन गया या दादा बन गया। अब यहाँ पे आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज में आपको देखना है कि कौन से अल्फाज एक सिलेबल वाले हैं, कौन से अल्फाज या वर्ड दो सिलेबल वाले हैं, कौन से वर्ड थ्री सिलेबल वाले हैं, और कौन से है जिसमें तीन से ज़्यादा सिलेबल है। इंस्ट्रक्शन है, नंबर फोर, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अलाउड एंड फिल देम इन द प्रॉपर कॉलम, कि आपको नीचे दिए गए अल्फाज को गौर से पढ़ना है, ज़ोर से पढ़ना है, आवाज़ बुलंद पढ़ना है, और उन्हें प्रॉपर कॉलम में, मुनासिब जो कॉलम है उसमें आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो वन सिलेबल वाला कॉलम है उसमें मैंने इन अल्फाजों को रखा है, वर्क, लीव, फुल, डोर, वे, ग्रेट, ब्रॉड, ये तमाम अल्फाजों में एक ही सिलेबल आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है जिसमें हमको टू सिलेबल वर्ड रखना है वो है, स्टोरी, बिल्डिंग, मैनी, अवेल, कंप्लीट, रेडी, हैप्पी। थ्री सिलेबल वाला जो कॉलम है उसमें हमने जिन वर्ड्स को रखा है वो है, परफेक्शन, आर्किटेक्ट, क्वालिटी,
मेजरमेंट, एक्सेलेंट, डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप। तो इस तरह ये तमाम अल्फाज में थ्री सिलेबल आ रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें थ्री सिलेबिक कॉलम में रखा है। अब एंड पर देखिए कि इस कॉलम में वो वर्ड्स है जिनमें तीन से ज़्यादा या मोर देन थ्री सिलेबल है। पहला जो वर्ड है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा जो वर्ड है वो है सफिशियंटली, तीसरा जो वर्ड है सब्सिक्वेंटली, और चौथा जो वर्ड है वो है मटेरियल। मटेरियल पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें हमें हिदायत दी जा रही है। पहली हिदायत है ए के वर्ड दैट हैव द सेम साउंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफर्स इन स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, फॉर एग्जांपल हेयर और हेयर। कि वो वर्ड जिनके तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उनकी आवाज़ें एक सी होती है, लेकिन उनके मानी और उनके स्पेलिंग्स अलग अलग होती है, तो उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। यहाँ पे मिसाल दी गई हेयर और हेयर, ये दोनों अल्फाजों के देखिए के तलफ़ुज़ एक है लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन और उनकी स्पेलिंग अलग अलग है, उनकी मानी भी अलग अलग है। तो इस तरह क्या बताया जा रहा है, पिक आउट फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि आपको नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं तो उनके ही आपको होमोफोन्स ढूंढना है, लेसन से हमें इनके होमोफोन्स ढूंढकर निकालना है। पहला जो वर्ड है वो है वेस्ट, उसका होमोफोन आया है वेस्ट। दूसरा जो वर्ड है न्यू, उसका होमोफोन है न्यू। थर्ड जो वर्ड है लूज, और जो उसका होमोफोन है वो है लूज। फोर है मेड, और मेड का होमोफोन है मेड। पांचवा है ग्रेट, और ग्रेट का होमोफोन है ग्रेट। सिक्स्थ जो लेटर है वो है वन, और उसका होमोफोन है वन। सेवन है साइट, और होमोफोन है साइट। एट्थ है वीक, और उसका होमोफोन है वीक। नाइन है वुड, और होमोफोन है वुड। टेन है सी, और होमोफोन है सी। फिफ्थ क्वेश्चंस का जो बी सेक्शन है उसमें हमें बताया जा रहा है, सिलेक्ट एनी थ्री पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम अबो एंड मेक सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। आपको करना क्या है कि ऊपर जो हमने या इससे पहले के जो क्वेश्चन है उसमें हमने होमोफोन्स देखे थे, तो उन होमोफोन्स से हमको तीन मिसालें लेनी है और उन तीन मिसालों को अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करना है ताकि उनके अलग अलग मीनिंग हमको समझ में आए। तो पहला जो वर्ड हमने या होमोफोन लिया है वो है न्यू। पहला जुमला हम इस्तेमाल करेंगे आई न्यू व्हाट आई नीड टू डू, के मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। तो न्यू मतलब मालूम था। दूसरा जो वर्ड है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं आई बॉट अ न्यू पेन, कि मैंने नया पेन ख़रीदा। न्यू ई एन ई डब्ल्यू है, उसके माने होते हैं नया, और के एन ई डब्ल्यू मतलब होता है जाना या मालूम था। सेकंड जो सेंटेंस है उसमें हम यूज़ करेंगे ग्रेट, ग्रेट जी आर ए टी मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, जैसे खोपरे को या फिर हम नारियल को खींचते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेटिंग। और ग्रेट जी आर ई ए टी मतलब होता है अजीम, बड़ा। पहला जो सेंटेंस हम यूज़ करेंगे वो है आई हेल्प माई मदर इन ग्रेटिंग द कोकोनट टू प्रिपेयर शीर खुरमा, के मैं अपने वालिदा की कोकोनट खींचने में या खोपरा खींचने में मदद करता हूँ ताकि शीर खुरमे को बनाया जा सके, तैयार किया जा सके। सेकंड जो सेंटेंस है वो है लास्ट ईद वाज नॉट एज ग्रेट एज इट यूज्ड टू बी ड्यू टू कोविड-19, के जो लास्ट ईद थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि ईद होती है कोविड-19 की वजह से। थर्ड जो सेंटेंस है उसमें हम वन और वन का इस्तेमाल करेंगे, डब्ल्यू ओ एन मतलब होता है जीता, और ओ एन ई मतलब होता है वन मतलब एक। पहला सेंटेंस है इंडियन क्रिकेट टीम
वन द फाइनल मैच, के इंडियन क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच को जीता। और सेकंड जो सेंटेंस है वो है, इंडियन क्रिकेट टीम नीडेड वन रन टू विन द मैच, कि इंडियन क्रिकेट टीम को सिर्फ एक रन की ज़रूरत थी मैच जीतने के लिए। आखिरी जो सवाल है उसमें हमको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है, ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर, के हमेशा अपना बेस्ट कीजिए, सबसे अच्छा जो हो सकता है आपसे वो करके दिखाइए, क्योंकि अभी जो आप बोएंगे कल वो काटेंगे। राइट अ पैराग्राफ ऑन द अबोव टॉपिक विद एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ द सेम, कि आपको इस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के ज़रिए उसको बताना है। आंसर में देखिए हमने लिखा है कि इन आवर डेली लाइफ वी डील विथ पीपल्स, के हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हमें लोगों के साथ मामलात करना पड़ते हैं, सो वेन एवर वी डू वी मस्ट डू इट विद एटमोस्ट ऑनेस्टी, कि जब भी हम लोगों के साथ कोई मामला करें तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, बिकॉज वट वी प्लांट टूडे मस्ट हार्वेस्ट टमारो, क्योंकि अभी जो हम बोते हैं तो कल उसी को हम काटते हैं, यानी अभी जो करेंगे तो उसका फल हमें कल मिलेगा। सो देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ केमिस्ट, एक कहानी है, अब यहाँ पे हम उसको कहानी के ज़रिए इसको बता रहे हैं कि एक केमिस्ट की कहानी है, एक दवा बेचने वाले की, दवा बनाने वाले की कहानी है, हु यूज़ टू सेल फेक मेडिसिन टू द पीपल, के जो लोगों को नकली दवाइयाँ बेचता था, एंड ही डिड नॉट केयर अबाउट देम, और उन्हें लोगों की परवाह नहीं थी। वन डे व्हेन ही वाज आउट ऑफ टाउन, एक दिन जबकि वो गांव के बाहर गया हुआ था, हिज सन फेल्ट इल, उसका जो बच्चा है वो बीमार पड़ गया, एंड हिज वाइफ गेव हिम द सेम मेडिसिन दैट ही यूज्ड टू सेल द अदर्स, कि उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी, उसने उसके बच्चे को वही दवा दी जो वो दूसरों को बेचा करता था। बट व्हेन हिज सन टुक द मेडिसिन, लेकिन जब उसके बच्चे ने वो दवा खाई, ही बिकेम मोर इल, तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ गया। एंड व्हेन ही कम बैक, जब वो वापस आया, देन ही सॉ दैट हिज सन हैज़ टेकन हिज फेक मेडिसिन, जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके बच्चे ने उसी की नकली दवाई खा ली है। देन ही रियलाइज्ड, जब उसे इस बात का एहसास हुआ, दैट व्हाट वी प्लांट टुडे, के जो अभी हम प्लांट करते हैं, अभी हम जो चीज़ बोते हैं, या आज जो हम चीज़ बोएंगे, मस्ट हार्वेस्ट टुमारो, तो कल उसी को काटेंगे। सो ही स्टॉप्ड सेलिंग फेक मेडिसिन, उसने नकली दवाइयाँ बेचना बंद कर दिया। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने द हाउस बिल्डर सबक के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखा, समझा और हल किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।